नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा न्यूज चैनल पोल खोल पोस्ट। शत्रुघ्न सिन्हा ने शनिवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने ऐलान किया था कि क्षेत्र नवरात्र के मौके पर वह कांग्रेस का हाथ थामेंगे, जिसके बाद उन्होंने 6 अप्रैल को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वहीं कांग्रेस ज्वाइन करते ही उन्हें बिहार के पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी करके इसकी सूचना दी कि कांग्रेस के शनिवार को बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में 5 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए, जिनमें सबसे प्रमुख नाम शत्रुघ्न सिन्हा का है, जिन्हें पटना साहिब से टिकट दिया गया है। जिन्हें सबसे सिन्हा पहले से ही पटना साहिब पर चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे, वहीं इस सीट पर कांग्रेस से बात बनने के बाद उन्होंने पार्टी का हाथ थाम लिया। सिन्हा शनिवार को कांग्रेस में शामिल हुए और इसे कुछ घंटे बाद ही उन्हें उम्मीदवार घोषित किया गया। अब पटना साहिब से वह केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को चुनौती देंगे। पिछली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के टिकट पर पटना साहिब से चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार वह कांग्रेस की ओर से पटना साहिब के उम्मीदवार हैं। अब देखना यह होगा कि दो बार से पटना साहिब सीट पर फतेह करने वाले सिन्हा को इस बार कांग्रेस से जनता स्वीकार करती है या नहीं। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से रामलाल ठाकुर को टिकट दिया है, जो भाजपा के अनुराग ठाकुर को चुनौती देंगे। इसके साथ ही पार्टी ने पंजाब में खादुर साहिब से जसबीर सिंह गिल, फतेहपुर साहिब से अमर सिंह और फरीदकोट से मोहम्मद सादिक को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस अब तक कुल 377 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। अभी तक के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पोल खोल पोस्ट को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, जिससे नई अपडेट्स आपको मिलती रहेगी।